हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे, घर परिवार भी सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम मोर कॉन्सेप्ट के अंदर अपना सिक्स्थ लेक्चर कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बच्चों, हम इसके अंदर आज पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, पीओएसी। आप में से बहुत से बच्चे बहुत अच्छे अच्छे डाउट्स मेरे पास भेजते हैं। एक बात तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि धीरे 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 ना टॉपिक्स को पूरा होने दें। कुछ डाउट्स थी आपकी जो आज मैं क्लियर करूँगा। जैसे जैसे चैप्टर आगे चलता जाएगा, एक ऐसा समय आएगा जब आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो जो भी आप पढ़ें, पहले लेक्चर्स को देखें, फिर उसके ऊपर बेस्ड जितना टॉपिक जितना सिलेबस कवर हो गया उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करें, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, पीओएसी। स्टाइचियोमेट्री का ही एक रूप है, स्टाइचियोमेट्री ही है एक तरह से। हम मोर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करते थे स्टाइचियोमेट्री के ऊपर बेस्ड, स्टाइचियोमेट्री के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करते थे। वही क्वेश्चंस को आज हम पीओएसी से करेंगे। पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन जो है, जो स्टाइचियोमेट्रिक क्वेश्चन थे उन्हीं को पीओएसी से करेंगे। इंट्रेंस एग्जाम की जब बात होती है, नीट की, जेई की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए बच्चों, है क्या प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, लगता कहां पर है? सबसे पहले ये देखें, अप्लीकेबल फॉर रिएक्टेंट्स, विच गेट्स कंप्लीटली यूज्ड इन द रिएक्शन, वो रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन के अंदर कंप्लीटली यूज हो जाते हैं, उन रिएक्टेंट्स के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। क्या होता है? क्वेश्चन से आप शुरुआत करें, उसकी एक बार क्वेश्चन से आप और अच्छे से कुछ समझ पाएंगे। पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी मोल्स ऑफ O2, हाउ मैनी मोल्स ऑफ O2 इज ऑब्टेन्ड, बाय हीटिंग, ऑफ 4 मोल ऑफ, 4 मोल्स ऑफ KClO3। KClO3 इज पोटेशियम क्लोरेट, क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 इज ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ 4 मोल्स ऑफ KClO3। बच्चों सोल्व करें इस क्वेश्चन को। यदि इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो हमें पता है KClO3 को यदि हम हीट करते हैं, तो डिसोसिएट होता है KCl प्लस O2 में। पीओएसी का सबसे बड़ा एडवांटेज, जहां पर हम स्टाइचोमेट्री से क्वेश्चन करते थे तो स्टाइचोमेट्रिक क्वेश्चन में हमें सबसे पहली कंडीशन होती थी कि आपको नेट बैलेंस इक्वेशन चाहिए, पीओएसी में किसी बैलेंस इक्वेशन की जरूरत नहीं है, किसी भी बैलेंस इक्वेशन की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ ये पता था KClO3 डिसोसिएट इनटू KCl प्लस O2। अब हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ 4 मोल्स ऑफ KClO3। करते हैं, यदि मैं करूं इसको तो जो पीओसी का प्रिंसिपल, ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, मैं एक एक एटम के ऊपर लगाता हूं, O2 जो बनेगी, ध्यान से देखें एक बार, O2 जो बनेगी, वो निश्चित रूप से जो इस रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन होगी उसी से बनेगी। जो ऑक्सीजन KClO3 के अंदर होगी उसी ऑक्सीजन से, वही ऑक्सीजन जो है अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होगी, O2 में कन्वर्ट होगी। तो मैं यहां पर लगा सकता हूं इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ पीओएसी ऑफ ऑक्सीजन, यदि मैं लगाऊं ऑक्सीजन, तो पीओएसी ऑफ ऑक्सीजन का क्या कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीजन के एटम्स देख लें आप, 3 इंटू मोल ऑफ O2 दैट इज इक्वल टू, यहां पर देख रहे हैं इस साइड में जो ऑक्सीजन है उसके अंदर कितना, हमने इसके मोल मान लिए कि एक्स मोल बने, तो एक्स मोल इसके बने, इसके एटम्स कितने हैं 2, तो इंटू 2 इंटू 3 3 इंटू KClO3 के कितने मोल रखे हैं, KClO3 के मोल
KClO3 के मोल इसके अंदर आप रखें हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 इज ऑब्टेंड बाय हीटिंग 4 मोल्स ऑफ KClO3 4। तो ये KClO3 के जो मोल है वही आपको सॉरी ये वही मोल आपको मोल ऑफ KClO3 यहां से लेने हैं KClO3 मोल ऑफ KClO3 3 into 4 दैट इज इक्वल टू 2 into x 2 से 2 कैंसिल आपके पास x मोल यानी कि ये आ गया 6 मोल आपके पास इस रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीजन बनेगी O2 बनेगी दैट इज 6 मोल। आसान है बच्चों और करते हैं क्वेश्चन करें और क्वेश्चन करते हैं। बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं बच्चों जिनको हम स्टोइकोमेट्री से सोल्व ही नहीं कर सकते तो क्वेश्चन केवल पीओसी सोल्व हो सकते हैं बहुत जल्दी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों यदि हम अगला क्वेश्चन देखें टू मोल्स ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड टू मोल्स ऑफ के फोर एफ ई सी एन होल सिक्स इज मेड टू रिएक्ट विद मैनी रिएजेंट्स सो डैट All Fe will get converted into Fe2O3. Calculate the moles of Fe2O3 form. अच्छा क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन आप स्टोइकोमेट्री से सोल्व नहीं कर पाओगे और कर भी पाओगे तो बहुत लंबी चौड़ी आपको प्रोसेस ही करते हैं सोल्व करें यदि तो हमारे पास दो चीजें एक तो है के फोर एफ ई सी एन होल सिक्स और दूसरा किसमें कन्वर्ट हो रहा है एफ ई टू होल थ्री। इसमें एक बात यही है कि मेड टू React with many reagents so that all Fe will get converted. मैंने पहले बताया था POC का principle वहाँ पर लागू होता है जहाँ पर reactant completely react करते हैं। तो सारा का सारा Fe किसमें convert हो गया Fe2O3 के अंदर। Calculate the moles of Fe2O3 form. कोई बात नहीं। POC लगाओ बच्चों। POC on Fe. Fe पे लगाओ। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ Fe के atoms कितने? One into mole O K4 Fe CN और 6 that is equal to यहां पर Fe के कितने एटम्स हैं 2 into suppose करो इसके मोल्स होने वाले क्या x into x into x क्या होना बच्चों 2 मोल्स था 1 into 2 that is equal to 2 into x 2 से 2 कैंसिल हो गया x that is equal to यानी जो मोल आपके पास Fe2O3 के बनेंगे that is 1 वन क्लियर है सभी आगे चलिए और क्वेश्चन करें और क्वेश्चन यदि हम देखें कि हमारे पास और क्वेश्चन क्या करें यदि हम तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड पीओएसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन और देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड यदि देखें हम पीओएसी से रिलेटेड फोर मोल ऑफ पी फोर क्वेश्चन कहता है 4 मोल ऑफ पी फोर एंड 40 मोल ऑफ ओ टू रिएक्ट कंप्लीटली टू फॉर्म पी फोर ओ सिक्स एंड पी फोर ओ टेन कैलकुलेट moles of P4O6 and P4O10 form। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है यदि इस क्वेश्चन को देखें आप तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास बच्चों यदि मैं देखूं तो रिएक्शन है आपके पास P4 plus O2 gives P4 O6 plus P4 O10। POC का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है?
सबसे बड़ा एडवांटेज है पीओसी का कि आपको इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना, बैलेंस नहीं करना है इक्वेशन, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं आएगी कभी। करें सोल्व करें, फॉर्मूला ऑफ P4 एंड 40 मोल ऑफ O2 रिएक्ट्स कंप्लीटली टू फॉर्म P4O6 एंड P4O10, कैलकुलेट मोल्स ऑफ P4O6 एंड P4O10 फॉर्म। सोल्व कर रहे हैं जो मैं प्रिंसिपल जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस वगैरह में क्वेश्चन आया हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन। यदि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूं तो मैं POAC लगाता हूं, POAC फॉर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के लिए मैं POAC लगाऊं, तो सबसे पहले हमारे पास फॉस्फोरस के लिए POAC, मैं कहता हूं इसके एक्स मोल बढ़ गए, इसके वाई मोल बढ़ गए, इसके हमने मान लिया इसके मोल बढ़ गए कितने एक्स और इसके मोल कितने बढ़ गए वाई, P4O10 के मोल वाई। अब POAC को लगाऊं यदि मैं, तो फॉस्फोरस के एटम्स इस केस में फॉस्फोरस के एटम्स कितने 4 * इसके मोल, मोल कितने 4 दैट इज इक्वल टू इसके अंदर इस फॉस्फोरस के अंदर एटम्स कितने 4 * मोल कितने हैं एक्स प्लस इसके अंदर फॉस्फोरस के एटम वाई * मोल कितने हैं इस एटम्स कितने थे इसके अंदर 4 * मोल कितने हैं वाई। ये आपके पास है, इसको सोल्व करने के बाद 4 कॉमन आ सकता है थ्रो, तो 4 दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 1 हो गया जो 4 दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वेशन नंबर 1 हो। अब मैं यदि इसी इक्वेशन को इसी को ही POAC के प्रिंसिपल को ही मैं POAC और ऑक्सीजन यदि मैं अप्लाई करूं, ऑक्सीजन के ऊपर यदि मैं POAC अप्लाई करूं ऑक्सीजन के एटम्स के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर तो यहां पर देखें कितने मोल्स रखे हैं 40 मोल्स, एटम कितने हैं 2, तो 2 * 40 दैट इज इक्वल टू यहां पर कितने एक्स P4O6 में कितने एटम्स हैं 6 * मोल कितने एक्स प्लस P4O10 में कितने मोल्स हैं तो कितने एटम्स कितने हैं 4 * मोल्स कितने हैं वाई। सॉल्व करें यहां से 2 कॉमन ले लें 40 दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलो भाई यहां से 2 ले लिया, इसमें से 2 गया, इसमें से 2 गया। अब मैं सेकंड इक्वेशन में से सेकंड जो इक्वेशन है उसमें से माइनस कर दूं 1, तो 40 दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस 1 करूं तो 4 दैट इज इक्वल टू x प्लस y, इसको मैं माइनस कर दूं। अब मुझे इन्हीं दो टर्म्स हैं, किसी एक टर्म को क्या करना पड़ेगा बच्चों, सेव करना पड़ेगा, तो मैं सेकंड फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं किससे करूं, सपोज करो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया इसको तो क्या हो गया ये 8 दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। अब मैं सबट्रैक्ट कर रहा था सेकंड में से फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस, 2y से 2y कैंसिल, 3x में से बच्चों यदि 2x गया तो x और ये कितना आ गया भाई 40 में से 8 गया तो 32, 40 में से x गया तो ये कितना आ गया 32, तो P4O10 के आपके पास जो मोल्स आए दैट इज 32। समझ में आई सबको, फिर देख लें एक बार, मैंने POAC के प्रिंसिपल को ऑक्सीजन के ऊपर लगाया तो मैंने कहा 2 इस ऑक्सीजन के लिए 2 एटम्स हैं 40 मोल्स हैं दैट इज इक्वल टू 6 * x प्लस 4 * y 40 दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 2y 40 दैट इज ये तो आपके पास 2 कॉमन ले लिया 40 दैट इज 3x प्लस 2y ये आपके पास सेकंड में से मैंने फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया x की वैल्यू कितनी आ गई 32 x की वैल्यू 32 y की वैल्यू निकालनी किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो किसी भी इक्वेशन में पुट करो इसमें पुट कर दो इसमें पुट कर दो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन मुझे ये कहीं कर क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ी बहुत डाउट हो इस क्वेश्चन में डाटा में गलती हुई हो तो एक बार चेक कर लेना इसको। और क्वेश्चन करें बच्चों दिए और क्वेश्चन करते हैं Three moles of I2 and eight moles of Cl2 reacts completely to form ICl and ICl3 calculate the moles of ICl and
ICl3 फॉर्म, मोर सो ICl एंड ICl3 फॉर्म। बच्चों सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है तो उसके अंदर मुझे कहीं ना कहीं डाटा में थोड़ी बहुत हो सकता है टेक्निकल पार्ट हो तो उसको एक बार चेक कर लें आप लोग। 3 मोल्स ऑफ I2 एंड 8 मोल्स ऑफ Cl2, I2 प्लस रिएक्शन I2 प्लस Cl2 गिव्स ICl प्लस ICl3। सबसे बड़ा एडवांटेज POSC का क्या है कि आपको इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना है, बैलेंस नहीं करना है इक्वेशन, बिना बैलेंस करे इक्वेशन को ही क्वेश्चन हो जाएगा। हम बच्चों हमें निकालना क्या है ICl के मोल्स और ICl3 के मोल्स निकालना है। मैं इसके मोल्स को x मान लेता हूं, इसके मोल्स को y मान लेता हूं। मैं लगाता हूं बच्चों POSC लगाया मैंने, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन फॉर आई, आई के लिए लगाया, आई रिएक्टेंट साइड में आई के एटम्स कितने 2, मोल्स कितने रखे थे आई के 3, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड में आई के एटम्स 1 इनटू मोल x प्लस रिएक्टेंट साइड में एटम 1 इनटू मोल y। क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 6, दैट इज इक्वल टू x प्लस y इक्वेशन। Cl2 के लिए लगाता हूं POAC 4 क्लोरीन, Cl क्लोरीन के लिए लगाया मैंने, POAC पे भी मैं क्लोरीन के लिए लगाऊं बच्चों, तो क्लोरीन के लिए POAC की बात करें हम कि भाई क्लोरीन के लिए POAC क्या होगा, तो क्लोरीन के लिए POAC देखें हम तो इसके अंदर कितने एटम्स है क्लोरीन के 2 इनटू, इसके मोल्स कितने हैं बच्चों मोल्स 8, 2 इनटू 8 दैट इज इक्वल टू, इसके अंदर क्लोरीन के एटम आईसीएल के अंदर 1 इनटू मोल x प्लस यहां क्लोरीन के एटम 3, ध्यान से देखें 3 इनटू मोल y, क्या आ गया 16 दैट इज इक्वल टू x प्लस 3y, ये इक्वेशन नंबर 7। मैं बच्चों वही काम करता हूं, सेकंड में से फर्स्ट घटाता हूं, सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करता हूं फर्स्ट को, 16 दैट इज इक्वल टू x प्लस 3y माइनस कर दिया फर्स्ट को 6 दैट इज इक्वल टू x प्लस y माइनस कर रहा हूं माइनस 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 ये कैंसिल, ये आपके पास क्या आ गया 10 दैट इज इक्वल टू 2y, 10 दैट इज इक्वल टू 2y, y दैट इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू 5 आ गई, यानी इसके मोल कितने आ गए 5। और आपको किसके चाहिए आप x की वैल्यू चाहिए, इसमें पुट कर दो भाई, पहले में पुट कर दो 6 दैट इज इक्वल टू x प्लस y, y के मोल कितने थे 5, 5 प्लस x दैट इज इक्वल टू 6, x दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू, बोलो बच्चों क्लियर से देखो। तो POSC के अंदर हमने देखा कि एटम जो है वो कंजर्व है, जितने रिएक्टेंट्स जो रिएक्टेंट के एटम्स हैं वही अल्टीमेटली किसमें बदलते हैं प्रोडक्ट के एटम्स। एक क्वेश्चन और करें बच्चों, एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं आपको, एक क्वेश्चन यदि हम और करें, ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास 25.4 ग्राम ऑफ I2 एंड 14.2 ग्राम ऑफ Cl2 रिएक्ट्स कंप्लीटली टू फॉर्म ICl एंड ICl3। कैलकुलेट द मोल ऑफ ICl एंड ICl3 फॉर्म, मोल्स निकालने हैं जो बने। जो अच्छा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। POSC के प्रिंसिपल में सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है, POSC के प्रिंसिपल में कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली बात उसमें से क्या है कि नो नीड ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं, एक बात। दूसरी बात, क्वेश्चन को चाहे किसी भी टर्म में पूछा गया हो, मास के टर्म में पूछा गया हो, वॉल्यूम के टर्म में पूछा गया हो, एटम्स के टर्म में पूछा गया हो, मॉलिक्यूल्स के टर्म, तो सबसे पहली बात है कन्वर्ट गिवन कंडीशंस, मतलब क्या है, मास यदि है, वॉल्यूम यदि है, तो इनटू मोल, मोल के अंदर, और मोल में बदलने आती ही होंगी शायद सभी को, बताया था मास यदि है तो ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल के बराबर होता है किसी का भी, 22.4 लीटर किसी भी गैस की NTP पे 1 मोल होती है, 1 मोल होती है। अब बच्चों मैं कैलकुलेट द मोल ऑफ ICl एंड ICl3 को, बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन,
सिर्फ थोड़ा सा स्टेप चेंज था। हमारे पास क्या था, आई टू प्लस सी एल टू गिव्स आईसीएल प्लस आईसीएल थ्री। बोलो यार, आईसीएल प्लस आईसीएल थ्री। अब इसके अंदर यदि देखें तो इसका मास कितना है बच्चों, 25.4 ग्राम, और इसका मास कितना है 14.2 ग्राम। फर्स्ट और एसेंशियल कंडीशन है मोल बनाओ, और मोल बनाने के लिए हमने पढ़ाया था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास गिवन मास 25.4। आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127, एक आयोडीन का एटॉमिक मास 122 है, तो अपॉन 254 ये डेसिमल आया 10, 1 अपॉन 10 आ गया 0.1 आ गया, 0.1 मोल आ गया। इसके देखें क्लोरीन के क्लोरीन का मास Cl का मास 35.5 होता है, 2 है Cl2 71 हो गया, तो मोल क्लोरीन की बनाएं तो गिवन मास 14.2 अपॉन 71, ये डेसिमल आया 0, ये क्या आ गया आपके पास 2, तो ये कितना आ गया 0.2 मोल, ये आपके पास 0.2 मोल, ये आपके पास 0.1। इससे आगे का क्वेश्चन ये उसी टर्म में आ गया, इस टर्म से पहला क्वेश्चन था। इससे आगे का क्वेश्चन आपको करना है, होमवर्क है। पीयूएसी का प्रिंसिपल बच्चों आसान लगता है, जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत आसान लगता है, लेकिन आसान नहीं है, प्रैक्टिस का खेल है। बच्चा बोर डरता है, कल सर जी क्या हुआ कैसे हुआ, एक बार आप प्रैक्टिस करें, एक बार सबसे पहला काम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपके पास जो भी असाइनमेंट होता है, जब हम असाइनमेंट भेजते हैं दो चार क्वेश्चन उसमें से कर लें, उसके बाद आपका दिमाग आपका मन खुल जाता है, आपके दिमाग से आपके मन से जो डर है वो बाहर निकल जाता है। बच्चों मैंने कहा था पिछले लेक्चर में भी कहा था, मैं इस लेक्चर में फिर आपसे अपील कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने पढ़ाई शुरू नहीं करी, जो बच्चे अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, मेरे पास जब मैंने कौनसा आपसे अपील की थी तो उसके बाद मेरे पास बहुत बच्चों के फ़ोन आए, सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, मैं रोहतक से बोल रहा हूँ, मैंने आपके स्कूल में एडमिशन लिया है, मुझे नॉन मेडिकल मिला है, मैं अभी अभी मैंने पढ़ाई शुरू करी है, मैं अभी अभी ग्रुप से जुड़ा हूँ, आप मेरे पास पुराने लेक्चर्स भेज दें। मैंने सबके पास भेजा है, फिर भी अभी भी यदि कोई छूट रहा हो, अभी भी कोई नहीं पढ़ रहा हो, तो उससे भी रिक्वेस्ट है पढ़ ले, ये समय दोबारा नहीं आना आपकी ज़िंदगी के अंदर, जितना मेहनत कर सकते हो कर लें। जो भी बच्चा जिस दिन से पढ़ने लगे उससे एक बहुत अपील है कि लेक्चर वन मोल का फिर टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह देखें, ये मेरा आपसे वादा है, जिस दिन ये चैप्टर पूरा होगा उस दिन दुनिया में आप एकमात्र ऐसे बच्चे होंगे जिनको सबसे अच्छा ये चैप्टर आता होगा। अगले लेक्चर में फिर आगे पढ़ाएंगे, तब तक के लिए बाय।